Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year bio students, I hope you're doing well by the grace of Allah. Today is the lecture number 22 of our chapter 17, which is going to be the last lecture of our chapter. And our today's topic is learning behavior. So in our previous lecture, we have discussed learning and we differentiated learning from the instinctive behavior. Now we're going to focus on just learning and we're going to talk about different types of learning. So first, let's define learning. According to Thorpe, who was a scientist, who was an ethologist who studied behavior or learning, he defined learning as process which manifests itself by adaptive changes in individual behavior as a result of an experience. Manifests means to start by itself or to evolve by itself. Yani koi aisa kaam jo khud ba khud hota hai. To learning ko is tarah se define kiya jata hai ki ye aisa process hai jo apne aap hota hai ek individual ke andar according to different adaptive changes. Yani uske andar jo different adaptations hoti hain unke zariye se jo uske andar processes khud ba khud सेव होते रहते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस दैट एन इंडिविजुअल हैज़, उसको हम कहते हैं कि ये लर्निंग है. यानी वो सब कुछ जो वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से सीखता है इन ऑर्डर टू अडैप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस, उसको हम उसकी लर्निंग बिहेवियर उसको लर्निंग कहते हैं. लर्निंग के कुछ टाइप्स हैं हमारे पास. वी हैव इम्प्रिंटिंग, हैबिचुएशन, कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, लेटेंट लर्निंग एंड इनसाइट लर्निंग. We'll take a look at all of them in detail. So let's start with imprinting. Imprinting is a kind of learning behavior which is well known as precocial birds like geese and ducks. Precocial birds कौन से होते हैं? ये ऐसे birds हैं जिनके अंदर जिनके जो offsprings हैं, जब वो produce होते हैं, जब वो hatch होते हैं, egg से बाहर निकलते हैं, तो वो काफ़ी हद तक mature हो चुके हुए होते हैं. Which means कि जब वो अपने egg से बाहर निकलते हैं small offsprings, तो after a few hours they are able to walk. And also they have a covering of fur on their bodies as well. So ये कौन से birds हैं जिनके offsprings जो हैं वो काफ़ी हद तक mature होते हैं. और इसके अंदर कौन सी example हमारे पास है? Geese and ducks की. तो ये जो immature offsprings हैं जो अभी hatch हुए हुए egg से बाहर निकलते हैं, they imprint information about their parents. So what happens is, the imprinting का मतलब क्या है कि बिल्कुल उस तरह जैसे हम पेपर के ऊपर इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए प्रिंट करते हैं, उसी तरह से ये जो ऑफस्प्रिंग्स एग से बाहर निकलते हैं, ये भी जो उनकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर पेरेंट उनको नज़र आती है, यानी कि जो फर्स्ट इनकाउंटर उनका अपने पेरेंट के साथ होता है, वो उसको अपनी मेमोरी में उसको इम्प्रिंट कर लेते हैं या उसको सेव कर लेते हैं. इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आती है? बेबी डकलिंग्स. सो व्हेन बेबी डकलिंग्स आर हैच्ड, व्हेन दे कम आउट ऑफ द एग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके ऊपर पास ऑलरेडी फर होता है और वो कुछ घंटों के बाद ही मूविंग स्टार्ट कर देते हैं. तो वो क्या करते हैं, उनके पास ये टेंडेंसी होती है, उनका ये इंस्टिंक्ट होता है कि उन्होंने अंडे से बाहर निकलते ही किसी भी मूविंग चीज़ को फॉलो करना है. यूजुअली जो मूविंग चीज़ उनको सबसे पहले इनकाउंटर मिलता है वो मदर बर्ड का मिलता है, यानी मदर डक का मिलता है. तो जैसे जैसे मदर डक जहाँ जहाँ पर मूव करती है, वी सी दीज डकलिंग्स फॉलोइंग हर पाथ. सिर्फ एक ब्रीफ ऐसा टाइम थोड़ा सा होता है, यानी राइट आफ्टर व्हेन दे कम आउट ऑफ द एग, उस टाइम पे एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट की जो फॉर्म है या शेप है उसको मेमोरी में सेव कर लेते हैं, उसको इम्प्रिंट कर लेते हैं. और मोस्टली जो उनको ऑब्जेक्ट नज़र आता है, डेफिनेटली लाइक आई सेड, वो उनकी मदर होती हैं, तो उस वजह से वो अपनी मदर का इमेज और उसकी फॉर्म जो है उसको इम्प्रिंट कर लेते हैं और फिर वो उसको फॉलो करते रहते हैं. इस तरह का जो लर्निंग बिहेवियर है इसको हम इम्प्रिंटिंग कहते हैं. सेकेंड वी हैव हैबिचुएशन, जो कि कहाँ से निकला है? हैबिट से निकला है. हैबिट का क्या मतलब हुआ कि ऐसा बिहेवियर है लर्निंग के जो एक हैबिट बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल मतलब कि इसको हम कहते हैं दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग एंड इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू अ डिमिन्यूशन ऑफ रिस्पॉन्स टू रिपीटेड स्टिमुलाई. डिमिन्यूशन मतलब किसी चीज़ को रोक देना या कम हो जाना. किस चीज़ को रोका जाएगा यहाँ पर? ऐसे रिस्पॉन्स को जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, कोई ऐसा स्टिमुलस जो किसी इंडिविजुअल को बार बार फेस करना पड़ रहा है. तो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम जो इंडिविजुअल्स होंगे वो ऐसे स्टिमुलाई को रिएक्ट करना छोड़ देंगे, यानी अब उनकी हैबिट बन जाएगी कि वो इस तरह के स्टिमुलाई को रिएक्ट नहीं करेंगे या रिस्पॉन्स नहीं देंगे जो बार बार रिपीट हो रहा है. एंड देयरफॉर सच अ बिहेवियर इज कॉल्ड हैबिचुएशन.
इसकी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे नजर आ रही है. फॉर एग्जाम्पल देर आर क्रोज प्रेजेंट इन कोर फील्ड. इफ़ वी इंट्रोड्यूस अ स्केयर क्रो तो वो क्रोज जो है वो डर के चले जाएंगे. लेकिन अगर वो ये जो स्केयर क्रो है वो ज़्यादा टाइम के लिए यहीं पर रहेगा और ये क्रोज जो है वो बार बार इसी के इनकाउंटर होता रहेगा उनका, तो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम दे विल नो लॉन्गर बी अफ्रेड ऑफ दिस स्केयर क्रो एंड दे विल जस्ट stay in the place where the scarecrow is. तो उनकी क्या habit बन गई repeated stimuli के encounter की वजह से. Similar example हमें नज़र आती है, if a snail is crawling on a sheet of glass, एक sheet of glass के ऊपर snail crawl कर रहा हो और glass को tap किया जाए तो snail जो है वो वापस अपने shell के अंदर चला जाता है. थोड़ी सी देर के बाद after a pause it emerges again और वो दोबारा से चलना शुरू हो जाता है. अगर दोबारा से उसके चलते हुए दोबारा से glass को tap किया जाए तो वो दोबारा से रिट्रैक्ट करेगा, लेकिन अब की बार वो बाहर जल्दी निकल आएगा. अल्टीमेटली ऐसा टाइम होएगा, ऐसा भी टाइम आएगा कि जब ग्लास को टैप किया जाएगा तो स्नेल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. विच मीन्स कि रिपीटेड स्टिमुलाई यानी कि जो टैपिंग ऑफ ग्लास थी उसकी वजह से स्नेल की हैबिट बन गई है, उसने ये अडेप्ट कर लिया चीज़ कि वो अब इस तरह के स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. नेक्स्ट अप वी हैव कंडीशनिंग और वी कॉल इट conditioned reflex type 1, CRT1. It involves the pairing of an irrelevant stimulus with a natural primary stimulus that elicits an automatic response. यानी कि एक irrelevant stimulus एक natural stimulus के साथ connect कर दिया जाता है और उसकी वजह से जो individual है वो इन दोनों stimuli को react करना शुरू कर देता है. इसकी example से अगर हम देखें तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगी. For example, we have a dog जिसका नेचुरल या अनकंडीशन स्टिमुलस है फूड. सो जब भी उसने फूड को देखना है उसने सैलवेट करना है और इट इज़ गोइंग टू मूव इट्स टंग आउट एंड इज गोइंग टू सिक्रीट सिलाइवा. जबकि अगर ऐसे ही डॉग को बेल की आवाज़ सुनाई दे तो वो उस पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका स्टिमुलस नहीं है या वो न्यूट्रल स्टिमुलस है. अब कंडीशनिंग में हमने क्या किया कि अगर हम डॉग के फूड के साथ उसकी बेल को अटैच कर दें, यानी कि हम उसको बेल के साथ फूड का अटैचमेंट की वजह से क्या होगा कि ये दोनों स्टिमुलस एक दूसरे के साथ जुड़ गए, एक इररेलेवेंट है और एक रेलेवेंट स्टिमुलस है. अब क्या होगा कि जब भी डॉग बेल की आवाज़ सुनेगा तो उसको ऑटोमेटिकली अपने फूड की जो स्टिमुलस है उसकी वजह से वो सैलवेट करना शुरू हो जाएगा. तो एक रेलेवेंट स्टिमुलस की वजह से इररेलेवेंट स्टिमुलस जो कनेक्ट हो गया अब वो भी कॉन्टिन्यूस रिस्पॉन्स डॉग के अंदर से प्रोड्यूस करेगा कि जब कभी भी उसको बेल की आवाज़ सुनाई देगी तो इट विल स्टार्ट सेल्वेटिंग क्योंकि उसको ये जो स्टिमुलस इररेलेवेंट स्टिमुलस था वो अपने फूड के साथ कनेक्टेड उसके ब्रेन में स्टोर हो गया. तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये कंडीशनिंग है, हमने एक इररेलेवेंट स्टिमुलस को रेलेवेंट स्टिमुलस के साथ जोड़ दिया. Next we have operant conditioning or we call it conditioned reflex type 2. इसको हम कहते हैं कि ये trial and error learning है. यानी कि क्या होता है, under natural conditions a reward directs random activities into a behavioral pattern. यानी कि different organisms के अंदर कुछ behaviors इस तरह के होते हैं जो किसी reward की वजह से save हो जाते हैं और trial और errors की जो repetitions हैं step by step वो आखिरकार उनको ये reward दे देती हैं. यानी एक reward की वजह से बहुत सारे ऐसे learning experiences होते हैं जो trial और बार बार try करने के बाद organisms के अंदर save हो जाते हैं. इसकी example हमारे पास आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल देर इज़ अ माउस जिसको एक केज के अंदर रखा गया है और वहाँ पर एक लेवर है यानी कि एक प्रेस करने वाला बटन है. जब वो पहली दफ़ा उसको प्रेस करेगा तो वो एक्सीडेंटल करेगा, उसको पता नहीं है कि इसने इस बटन की वजह से क्या हो रहा है. उसको प्रेस करने की वजह से अगर उसको यहाँ पर फूड मिल जाती है, अब जब उसको यहाँ पर फूड मिला उस बटन को प्रेस करने की वजह से, तो अब उसको ये मेमोरी उसके दिमाग में स्टोर हो गई है कि इस बटन को प्रेस करने से फूड मिलता है. सो नेक्स्ट टाइम जब वो ये काम करेगा तो वो सोच समझ कर और जानबूझ कर करेगा, उसको पता होगा कि मैं इसको प्रेस करूँगा तो मुझे फूड मिलेगा. सो द फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज एक्सीडेंटल जिसकी वजह से उसको रिवॉर्ड मिल गया एंड देन दिस बिहेवियर एंड दिस इंटायर एक्सपीरियंस इज लर्न्ड बाय एनिमल. इस पूरे के पूरी कंडीशनिंग को हम कहते हैं ऑपेरेंट कंडीशनिंग जिसके अंदर वी एसोसिएट अ वॉलेंट्री बिहेवियर एंड अ कॉन्सिक्वेंस या फिर एक रिवॉर्ड उसके साथ जोड़ दिया जाता है. नेक्स्ट अप वी हैव
latent learning, or it is also known as the learning that remains hidden until it is needed. यानी ऐसी learning जो हम ना जानते या ना चाहते हुए भी कर रहे होते हैं, ऐसी learning जिसके बारे में हमें जो subconsciously हमारे दिमाग में information store हो रही होती है. It associates in different stimuli or situations without patent reward. यानी in different stimuli जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो information, वो stimuli, वो situation हमारे brain में store हो जाती है, हमारे behavior के तौर पर स्टोर हो जाती है, और बाद में जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हमें पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टोर थी. इसकी एग्जांपल कहाँ से लेते हैं, हम लेते हैं कि एक मेज़ के अंदर अगर माउस को छोड़ दिया जाए. सो व्हाट हैपेंस इज़, अगर मेज़ के अंदर माउस को छोड़ा जाए तो पहले तो वो ऑटोमेटिकली अपना रास्ता बाहर निकालने की कोशिश करेगा, ढूंढने की कोशिश करेगा. लेट से कि जहां से उसका रास्ता बाहर निकल रहा है वहां पे उसके लिए एक रिवॉर्ड रखा गया है. अब वो जो रिवॉर्ड उसको एट द एंड मिला है, वो तो उसको पता भी नहीं था कि ये मेरा रिवॉर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेज़ का रास्ता उसने ढूंढा और बाहर निकलने की कोशिश की वो ऑटोमेटिक था, उसको नहीं पता था, इनडिफरेंटली उसने ये काम किया. बट व्हेन द नेक्स्ट टाइम वी पुट द सेम रैट इन द सेम मेज़, तो वो ऑटोमेटिकली फौरी तौर पर मेज़ का रास्ता जो है बाहर का वो फ़ौरन से ढूंढ लेगा, क्योंकि अब की बार उसको पता होगा कि मेरे लिए बाहर रिवॉर्ड जो है वो फूड की फॉर्म में प्रेजेंट है. सो क्या हुआ, इफ़ वी पुट अ रैट इन अ मेज एंड इट वॉन्डर्स अबाउट और एक्सीडेंटली उसको फूड मिल जाता है, तो यहाँ से उसके लिए तो लर्निंग कुछ भी नहीं थी. लेकिन अगर दोबारा इसी रैट को हम इसी मेज में रखेंगे और वो फौरी तौर पर खुद ब खुद उस रास्ते को फॉलो करते हुए फूड तक पहुँच जाएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने सीखा था, अपने पिछले एक्सपीरियंस से भी सीखा था, लेकिन उसको यूटिलाइज उसने कब किया, जब उसको ज़रूरत पड़ी है. तो इसका मतलब है दैट द रैट डिड लर्न समथिंग विदाउट इवन द इंसेंटिव ऑफ एनी रिवॉर्ड. इस तरह की बिहेवियर, इस तरह की लर्निंग को हम कहते हैं ये लेटेंट लर्निंग है. एंड देन लास्टली वी हैव इनसाइट लर्निंग. इसके अंदर क्या होता है, इट्स द एक्सट्रीम एंड हाइएस्ट केस ऑफ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन. इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ इनसाइट और रीजनिंग टू अ नॉवल सिचुएशन. रीजनिंग का इस्तेमाल किया जाता है टू अ नॉवल सिचुएशन, टू अ न्यू सिचुएशन. रीजनिंग क्या है, यानी सोच विचार का काम किया जाता है. इसका मतलब है कि इनसाइट लर्निंग जो है ये हमें हायर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा नज़र आती है, ह्यूमंस के केस में इसकी हमें बेस्ट फॉर्म नज़र आती है, यानी सोचने समझने वाली जो लर्निंग है, यानी किसी न्यू सिचुएशन को सोच समझ कर और कुछ प्लान डिवाइस करके सॉल्व करने की कोशिश करना जो है वो ह्यूमंस के अंदर सबसे बेस्ट फॉर्म में नज़र आती है. लेकिन इसके ऊपर जो काम किया गया था या जो इसको डिवाइस किया गया था लेटेंट लर्निंग को, इट वाज बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन चिंपैंजीज. सो अ साइंटिस्ट डिड एन एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजीज. उसने एक केज के अंदर चिंपैंजी को छोड़ा और साइड पर कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस भी छोड़ दिए. अब उसने उस केज के रूफ पर फूड लटका दिया. तो पहले तो वो चिंपैंजी उसको सिंपल पहुंचने की हाथ लगाने की कोशिश करेगा, बार बार ट्राई करेगा, जंप करने की कोशिश करेगा. जब उसको ये पता चलेगा कि वो फूड जो है इट्स आउट ऑफ इट्स रीच, आफ्टर सम टाइम इट्स गोइंग टू थिंक एंड टेक अ लुक एट इट्स सराउंडिंग. और फिर वो क्या करेगा, बॉक्सेस जो उसको नजर आएंगे वो उनको इकट्ठा करके एक दूसरे के ऊपर पाइल अप करेगा, एंड देन इट दिस चिंपैंजी क्लाइम्स ऑन टॉप ऑफ दिस पाइल ऑफ बॉक्सेस एंड देन इट रीचेस द फूड. सो इसके लिए क्या करना पड़ा है, चिंपैंजी को सोच विचार करनी पड़ी है, उसको थोड़ी रीजनिंग करनी पड़ी है, एंड आफ्टर विच इट केम विद अ सॉल्यूशन एंड इट लर्नड अ सॉल्यूशन. सो दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड इनसाइट लर्निंग. सो जो लेटेंट लर्निंग थी उसमें हमने कहा था कि रिवॉर्ड का कोई भी काम नहीं था, वो एक्सीडेंटल लर्निंग थी, खुद ब खुद हो गई थी. इनसाइट लर्निंग जो है ये सोच विचार के बाद और एक प्रॉपर थिंकिंग के बाद डिवाइज होती है, और ये हमें हायर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा नज़र आती है. सो दिस वॉज द एंटायर टॉपिक ऑफ लर्निंग बिहेवियर. आई होप आपको समझ आ गई होगी. आई होप आई सजेस्ट कि आप इसकी एक्सरसाइज को भी साथ में सॉल्व करें एंड फॉर्म सम नोट्स फॉर योर सेल्फ फॉर दिस चैप्टर. एंड इंशाल्लाह I will see you in the next lecture with the new chapter. Until then, Allah Hafiz.